बीफ कीमा बनाएंगे, मज़ेदार झटपट में तैयार हो जाने वाला बीफ कीमा। घी डाल दिया हमने, चूल्हा ऑन कर लिया और कढ़ाई चढ़ा दी और घी डाल दिया। सबसे पहले हम करेंगे प्याज ब्राउन, गन्ने पहले ब्राउन कर लेंगे। एक अदद गंडा, एक अदद प्याज, एक अदद ऑनियन को हमने चॉप किया हुआ डाल दिया, इसको ब्राउन कर लेते हैं। चलें जनाब दोस्तों, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी हम शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर जो कटे हुए हैं चॉप किए हुए, रखे रखे तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट जो है ना पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह जो है टमाटर वगैरह गल जाए। चलें दोस्तों, अभी हम जो तकरीबन है 300 ग्राम, 350 ग्राम कीमा, बीफ कीमा डाल दिया हमने। कीमे की रेसिपी जो है झटपट में तैयार हो जाने वाले है। ये मशीन का कीमा ये जल्दी गल जाता है, आप बगैर कुकर के भी जो है बना सकते हैं। हम बनाएंगे मज़ेदार और यमी यमी शादियों वाला कीमा। जो शादियों के देगों के अंदर कीमा बना होता है, उसी वही कीमे का हम टेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसमें जो ना अभी एक बड़ी इलायची डाल देते हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 जो है थोड़े थोड़े तेज़पत्ता डाल देते हैं। तेज़पत्ते ये टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल देगी कीमे वाला आएगा, शादियों वाला। चले दोस्तों, अभी शामिल कर देते हैं लहसुन, तकरीबन 2 चम्मच लहसुन है कूटा हुआ और 2 ही चम्मच जो है ना अदरक। अभी मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह भून लेते हैं अपने कीमे को। अपना कीमा नहीं, बीफ का कीमा। अच्छा दोस्तों, ये लहसुन आप देख रहे हैं ये आजकल जो है ना बिल्कुल एंड है, क्योंकि नई फसल आई नहीं, ये देसी लहसुन है, तो इसलिए जो है ना ये इसके जो है ना सही तरह पेस्ट बनता नहीं है। कोशिश तो बहुत होती है लेकिन फिर भी, लेकिन जब ये इस तरह हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगा इंशाल्लाह। चैलेंज आप दोस्तों, कीमा हमारा बिल्कुल अभी तक जो है ना भुन गया है। अभी हम जो है ना दूसरे मसाले डाल देते हैं, जिसमें सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी की तकरीबन हम आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना सुरख मिर्च डालेंगे, रेड चिल्ली 1.5 चम्मच और नमक जो है ना टेस्ट अकॉर्डिंग, आप आधी चम्मच से ज़्यादा, तकरीबन 3 पाव कीमा है तो आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और अभी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तकरीबन आधा गिलास हमने पानी डाल दिया ताकि जो ना कीमा के अंदर मसाले वगैरह अच्छी तरह गल बच जाएँ। हम अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि पानी खुशक हो जाए अच्छी तरह। चलो जरा दोस्तों, हमने इसको कवर कर दिया है, अभी ये पानी खुशक होगा तो हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ साथ हिलाते रहना, ये ना हो कि नीचे लग जाएगा, जो ना हमने मिक्स करते रहना है ताकि अच्छी तरह हमारा कीमा बीफ कीमा रेडी हो और मज़ेदार और टेस्टी बने। दोस्तों कीमा हमारा बिल्कुल भून गया है, अभी अच्छी तरह ड्राई होना शुरू हो गया है। अभी हम इसके अंदर जो ना मज़ीद तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये ना कीमा अच्छी तरह गल जाए, ताकि ये बिल्कुल यमी यमी हो जाए। ये देख रहे हैं पीस, खुशबू बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पीसी बिल्कुल देगी कीमे की आ रही है। आप भी बनाएं और बना के अपने बच्चों को एंजॉय कराएं और घर वालों को, खाएंगे तो याद करेंगे। अभी हमारा कीमा बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है, अभी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हम 1 गिलास पानी। चल जी, बिल्कुल दानेदार हो चुका है हमारा कीमा बीफ कीमा, तो अभी हम इसमें तकरीबन आधा गिलास या आधा गिलास पानी मज़ीद ऐड कर देते हैं और मज़ीद अच्छी तरह पका लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमारी ये आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और फिर डिश आउट करते हैं और फिर पराठों के साथ इंजॉय करते हैं। चलिए, अभी कवर कर दिया, अभी 10 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। हमने कवर कर दिया, 10 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह खुशबू जो है देखी कीमे की आना शुरू हो गई है, बहुत ही जमी जमी और टेस्टी खुशबू
और कीमा हमारा बिल्कुल अभी पकने के करीब हो चुका है। अभी हम सिर्फ एक मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देते हैं। ये ना दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की जो रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी। अभी हम इसको करते हैं डिश आउट और इन्जॉय करेंगे पराठों के साथ। चलें जी, चलें जी अभी कर लेते हैं डिश आउट। हमारा यमी यमी कीमा बिल्कुल जो है ना, ये जरा हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, ज़ीरा कुटा हुआ और काली मिर्च मामूली से, और सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो चॉप की हुई है वो डाल देंगे। अगर मज़ीद जो है ना खट्टा और जमी जमी खाना है तो लीमू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ लीमू भी। अच्छा, कीमे के अंदर दोस्तों जो कीमे का है ना ज़्यादा मज़ेदार, वो ज़्यादा घी से ही आता है। जैसे हम लोग निहारी बनाते हैं, निहारी के अंदर भी घी ज़्यादा हो तो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये भी आज की जो बीफ कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने डिश आउट कर लिया, गार्निश कर लिया और मसाले वगैरह डाल दिए हैं। उम्मीद है कि हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी आज की भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।